मीठा तो हर किसी को पसंद होता है और मुझे ये भी मालूम है कि सेवैयाँ है ना हर किसी ने ट्राई करी होती है, लेकिन ये वाली जो सेवैयाँ दिख रहे हैं ना बहुत खुली खुली सी और जैसे चावलों के नहीं होते उसी तरह से बनाई है, तो बहुत ईजी वे में है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, एक पैन पर थोड़ा सा घी डाला और उसके अंदर डाल देंगे हम नट्स। आपके पास जो नट्स हो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसे थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद हम उसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी ग्रेप्स। ग्रेप्स अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, मेरे पास थी। जब तक ये जो ग्रेप्स है ना उसका पेट ना फूल जाए ना उतने देर तक उसे रखना है और उसे फिर बाहर निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप वो वाला पैन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने वो वाला पैन निकाल दिया और मैंने दूसरा पैन लगाया। उसके अंदर मैंने वापस घी डाला और सेवैयाँ डाल दी चूरा चूरा करी हुई, और सेवैयाँ को मीडियम फ्लेम में रख के दोनों साइड से अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। अभी यहाँ पे एक और चीज़, आपने जो नट्स भुने थे ना उसी पैन के अंदर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी डाल के अच्छी तरह से वापस उसके अंदर बना सकते हो, लेकिन मैंने पैन चेंज कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अच्छी तरह से सेवैयाँ को रोस्ट कर लेंगे। आई मीन गैस है ना आपका, वो फास्ट नहीं होना चाहिए, और अगर फास्ट होगा तो वो जो सारी सेवैयाँ है ना वो जल जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ठंडा पानी डाला है, बहुत पानी नहीं डाला है। जैसे आप चावलों के अंदर पानी डालते हो ना उसी तरह, उस जैसे चावल बनाते हैं ना कि उतना ही क्वांटिटी का पानी डालते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि हमें ये जो सेवई है ना बहुत खुली खुली बनानी है। अभी यहाँ पे जैसे ही सेवई उबलने लग जाए उसके अंदर हम लोग डाल देंगे शुगर। शुगर का जो आपका मीठा किस मीठा कितना चाहिए वो थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। और शुगर डालने के बाद, बिकॉज वो भी ध्यान में रखना, ज़्यादा पानी मत डाल दो, क्योंकि शुगर डालने के बाद शुगर से भी थोड़ा सा पानी छूटता है तो वो थोड़ा सा और स्टिकीनेस दे देगा, तो वो थोड़ा सा भी ध्यान रखना, पानी कम डालना ताकि आपकी जो सेवई है वो खुली खुली बने। लाइक अगर एक कप सेवई यूज़ करिए ना तो उसके अंदर एक और आधा कप ही पानी डालना। और उसके बाद उसके अंदर डालेंगे इलायची, थोड़ा सा केसर, और मैंने केसर के साथ मिल्क मिक्स करके रखा था वो डाल दिया, और वो जो ड्राई नट्स थे वो ऐड कर लेंगे और उन्हें कुछ इस तरीके से अच्छे से पका लेंगे। और ऊपर से अगर थोड़ा सा अगर घी ज़्यादा पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज वो जो घी का जो स्टेप था वो कम्प्लीटली आप स्किप कर सकते हो। सो बहुत सिंपल है, ईजी है, और लगेगा भी नहीं कि इतनी खुली खुली सेवा बन जाए। इवन ठंडी होने के बाद भी वो खुली खुली राइस जैसे होते हैं ना उस तरह की ही रहेगी। सो खाना बनाना और ये एक बार ट्राई जरूर करना, और मुझे लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।